फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जब भी हम रेस्टोरेंट जाएंगे, वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन यू नो हो, तो वो लोग सबसे ज़्यादा कॉमन डिश क्या जो दोनों खाएंगे, जो दोनों यू नो प्रेफर करते हैं, दोनों की फेवरेट भी होती है, वो लोग वो प्रेफर करते हैं खाने के लिए, वो है पनीर की डिश। तो पनीर की डिश एक ऐसी चीज़ है, पनीर, जिसे कोई मना नहीं कर सकता। मैं आज आपसे शेयर करूँगी पनीर टिक्का मसाला अपने स्टाइल से, कि इसे कैसे बनाते हैं। मैंने कुछ लास्ट ईयर या ये अभी लास्ट ईयर तो बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन वगैरह कुछ तो हुआ ही नहीं, लास्ट ईयर मैंने मेरे घर में छोटी सी पार्टी थी तो मैंने ये डिश बनाई थी और काफ़ी सारे लोगों को ये पसंद आई थी। जो भी मेरे वेज फ्रेंड्स हैं, मेरे वेज रिलेटिव्स और वेज जो भी नो फ्रेंड्स वगैरह आए थे, उन्हें काफ़ी पसंद आई थी ये डिश। सो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर कर लूँ ये। अभी मुझे मैंने इसके लिए पनीर ले लिया है, पनीर जो है मैंने ये 1/2 किलो पनीर लिया है। इसे मैंने इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, आप इसे बड़े बड़े क्यूब्स में भी काट सकते हैं। अब मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ। मसाले डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाल दिया है, हल्दी का पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, और जो धनिया जीरा पाउडर जो मैंने करके रखा था वो डाल दिया है मैंने। आप धनिया और जीरा पाउडर अगर आपके पास सेपरेटली हो आप उसे भी डाल दीजिए, 1/2 टीस्पून वो डाल दीजिए। इसमें अभी हम नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, और कोरिएंडर लीव्स डाल के इसे अच्छी तरीके से टॉस कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने सारे जो मसाले हैं इसमें डाल दिया है मैंने। पनीर में मैंने क्यूब्स जो पनीर लिया है उसमें मैंने क्या क्या डाल दिया मैं आपसे फिर से बता देती हूँ। इसमें मैंने सॉल्ट डाला है, आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए। फिर मैंने कोरिएंडर लीव्स, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, इसे डाल के अभी टॉस कर लेते हैं। आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं, पर हाथ से करेंगे तो ये पनीर जो है वो टूट जाएगा, इससे बेटर है आप ऐसे टॉस करेंगे तो वो अच्छी तरीके से सब कोट हो जाएगा पनीर के साथ, सारे मसाले जो है पनीर के साथ अच्छी तरीके से कोट हो जाएगा। ये इस तरीके से हम टॉस कर लेते हैं इसे, देखिए सारे मसाले जो है बढ़िया तरीके से पनीर के साथ कोट हो रही है। ये देखिए इस तरीके से सारा जो है ये पनीर मेरा कोट हो चुका है। अब मैंने पैन ले लिया है, इसमें मैंने सिर्फ 1 स्पून या 1/2 स्पून के करीबन मैंने ऑयल ले लिया है। इसे आप अभी हम जो पनीर जो मैंने मसाला कोट करके रखा हुआ था इसे मैं इसमें थोड़ा सा इसे शालो थोड़ा सा एक मैं एक फ्राई कर दूंगी। अगर आपके पास स्कीवर होगा तो स्कीवर में आप क्या कर सकते हैं, उसे पनीर को जो है पनीर को स्कीवर में आप डाल के इसे गैस में इस तरीके से हल्का सा इसे आप ग्रिल कर दें, थोड़ा सा हल्का सा ब्लैकिश होने तक उसको ग्रिल करके निकाल दें। सिंस मैं आपको आप जिनके पास स्कीवर नहीं होगा वो इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब मैं जो मेरी पनीर है मैं पनीर जो है इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए इसे अच्छी तरीके से हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। सिंस मैंने उसे गैस के फ्लेम में मैंने उसे ग्रिल नहीं किया है, इस तरीके से मैंने इसे मसाले से थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया है, शालो फ्राई कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से ये अच्छा खासा सौते हो गया है, अब हम इसे निकाल सकते हैं। आप देख सकते आपको लगेगा कि ये जो छोटे छोटे ये सब क्या है, ये भी पनीर ही है, मैंने उसे एक साथ ही डाल दिया है। अभी अच्छी तरीके से मसालों के साथ कोट हो गया है, अब हम इसे निकाल देते हैं और इसकी ग्रेवी बनाते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने पनीर को निकाल लिया है। मैंने पैन जो है इसे गर्म कर लिया है, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और 1 टेबलस्पून हम इसमें बटर डालेंगे। बटर और ऑयल जो है इसमें थोड़ा अच्छी तरीके से डालेंगे, सिंस ये पनीर टिक्का मसाला है तो इसे काफ़ी अच्छी तरीके से यू नो बटर वगैरह में बनाएंगे तो ये टेस्टी बनती है। इसमें मैंने डाल दिया है, इसे थोड़ा मेल्ट होने दीजिए, ये एक बार ही मेल्ट हो जाए। तेल और बटर अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें मैंने 3 कांदा जो है मैंने इसे अच्छी तरीके से बारीक तरीके से मैंने काट लिया है। अब मैं इसे जो अनियंस है ये अनियंस डाल देती हूँ, कांदा इसमें डाल के अच्छी तरीके से भून लेंगे। गैस थोड़ा मीडियम फ्लेम में रख के इसे अच्छी तरीके से भून लेते हैं। कांदा डाल लिया है मैंने, कांदा डाल के फिर इसमें 1 टेबलस्पून
अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट और कोथमीर डाल देते हैं। कोथमीर डाल के इसमें नमक डाल देंगे। नमक ज़रा ध्यान से डालिएगा क्योंकि बटर भी डाला है हमने, बटर में भी नमक होता है, तो उस हिसाब से ज़रा देखकर डालना है हमको। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब हमारी जो कांदा है, कांदा इसे भूनने देते हैं अच्छी तरीके से। ये सॉफ्ट हो जानी चाहिए हमारे अनियंस। हमारा कांदा जो है अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें टमेटो प्यूरे डाल देंगे। मैंने तीन टमेटो का प्यूरे मैंने बना कर ले लिया है, वो मैं डाल देती हूँ इसमें। टमेटो प्यूरे डाल दिया है मैंने, इसमें तीन टमेटो प्यूरे गया है। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बस ये भी सिर्फ एक ही बॉईल आने तक थोड़ा रुकेंगे, एक दो मिनट रुकते हैं और इसमें एक अच्छी तरीके से उबाल आ जाए, फिर हम इसमें हमारे सारे स्पाइसेस डालेंगे, सारे मसाले डाल देंगे। अब इसमें हमारा अभी एक अच्छा खासा उबाल आ गया है। अब मैं इसमें सारे सूखे मसाले डाल देती हूँ। एक टेबल स्पून मैंने धनिया जीरा पाउडर डाल दिया है, एक टेबल स्पून धनिया जीरा पाउडर, एक टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, एक टेबल स्पून पाव भाजी मसाला, एक टेबल स्पून पाव भाजी मसाला डाल दिया मैंने, एक टेबल स्पून सांभर मसाला और आधा टीस्पून गरम मसाला। सारे मसाले डाल के इसे अच्छी तरीके से अब मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, फिर हम इसे एक 5 मिनट्स ढक कर रख लेंगे। ये अच्छी तरीके से उबाल आ जाएगा इसमें। अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। काफ़ी लोग इसमें फूड कलर भी डालते हैं ताकि उनको रेडिश, जो एकदम डार्क रेड कलर है वो आएगा उनको, सिंस ये इसमें। लेकिन मैं कोई फूड कलर इसमें ऐड नहीं करूँगी, कोई एडेड सिंथेटिक नहीं डालूँगी मैं। अभी इसमें मैंने, अगर आपने डालना है तो आप उसमें डाल सकते हैं, ऑरेंज का फूड कलर मैंने इसमें अवॉइड किया हुआ है। बस इस तरीके से अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे थोड़ा पकने, और इसमें अभी मैं थोड़ा पानी डाल दूँगी। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये ज़्यादा वाटरी नहीं होता है, थोड़ा सा एक लटपटेदार बनेगा। बस थोड़ा सा पानी, एक आधा ग्लास के जैसे एक पानी डाल देंगे हम। थोड़ा सा ग्रेवी अगर होगा, इसे इस तरीके से मिक्स करके हम इसे थोड़ा सा रख देते हैं अच्छा एक उबाल आने तक। ये देखिए इस तरीके से। अगर आप चाहें तो इसे और थोड़ा सा पानी डाल के भी आप हल्का सा ग्रेवी बना सकते हैं। अब हम इसे देख लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ये अच्छा खासा अभी उबल चुका है। काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है, यहाँ देख सकते हैं। अब इसमें हम हमारी जो पनीर को हमने मसाले में रोस्ट करके रखा हुआ था वो डाल देंगे। वो सारा कुछ डाल दिया मैंने ताकि पनीर जो है अच्छे से कोट हो जाए, मसालों के साथ अच्छे से कोट हो जाए ये इस तरीके से। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। अब हम इसे इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारा जो पनीर है अच्छी तरीके से कोट हो जाना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से कितने बढ़िया तरीके से ये सॉफ्ट हो रही है पनीर भी उसमें, और पूरी जो बटर है, जो तरी है, जो लेयर है, अच्छी तरीके से इसकी परत भी जम गई है। पनीर की सब्जी जो है इस तरीके से देखिए, आप देख सकते हैं मस्त तरीके से ये हो चुकी है। अब मैं गैस बंद करके इसे बोल में निकाल देती हूँ। देखिए पनीर टिक्का मसाला बिल्कुल रेडी है इस तरीके से। देखिए आप देख सकते हैं कि मेरी पनीर टिक्का मसाला बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। आप इसे ज़रूर बनाइए और ट्राई कीजिए, और आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसे भी क्या है, ये पनीर टिक्का मसाला जो है
बड़ा ही झटपट से बन जाता है और काफ़ी खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप इसे पूरी, रोटी, पराठे या राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो होप यू लाइक माई वीडियोज़ एंड इफ़ यू रियली फाइंड इट यूज़फुल, अगर आपको रियली लगता है कि मेरी रेसिपीज़ या मेरे ब्लॉग्स आपको थोड़े से भी सेंसिबल लगते हैं एंड अच्छे लगते हैं, तो आप ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।